अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ मेलबर्न रॉयल शो 2023। अब मैं पार्किंग से एंट्रेंस की तरफ जा रही हूँ। अब ये सामने टिकट चेकिंग एरिया आ गया है, जहाँ पर मैं अपनी टिकट चेक करवाऊँगी जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। और अब मैं आगे आई हूँ तो ये एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर ये रॉयल मेलबर्न शो के ग्राउंड की पूरी मैप हमें दे रहा है। अब आगे जाके देखते हैं कि इस मैप के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं, कौन से बच्चों के लिए फन एरियाज हैं, बड़ों के लिए हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग अपने साथ अपनी फैमिलीज को लेकर आए हैं, बच्चों को, बड़ों को। और ये इसका मैप था। वैसे मुझे ये एक अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि अक्सर जब हम कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर हमें पता नहीं चलता जाकर कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। तो इन्होंने ये अच्छी चीज़, मुझे इनकी एक अच्छी चीज़ लगी कि इन्होंने ये मैप्स दिया, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉल कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सी फन एक्टिविटीज़ किस साइड पर हैं। और इससे आगे जाते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। और उससे थोड़ा सा आगे मैं आई हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा है कि फूड कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के अपना फूड इंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं तो कुछ नहीं ले सकती थी, क्योंकि हलाल हराम का इशू होता है, और यहाँ पर ऑब्वियसली हलाल कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये एक कॉफ़ी का स्टॉल लगा हुआ है, जिसके साथ रिंगर पोटैटो आप एंजॉय कर सकते हैं। आप ये देखें साइड पर सारे, अभी तो मुझे बच्चों के झूले नजर आ रहे हैं, और इस साइड पर मैंने देखा है तो एक पोल्ट्री का सेक्शन है, जिसके बाहर उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है लोडेड फ्राइज का, रिंगर पोटैटो, कॉफ़ी। अब पोल्ट्री एरिया में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर आगे नज़र आया है कि यहाँ पर लोग, वैसे हम पाकिस्तान में ऐसी जगहों को देखते हैं तो हम कहते हैं ओहो हो, ये कितना गंदा है, क्या है, और यहाँ पर लोग इस पे बैठकर कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे आए हैं, यहाँ पर हमें नज़र आया है कि एक मुर्गी है जिसने मेडल लिया हुआ है। यहाँ पर हमें बच्चों को मेडल लेते हुए पता नहीं क्या होता है, यहाँ पर मुर्गियाँ मेडल ले रही हैं। यहाँ पर उससे और आगे आई हूँ तो यहाँ पर और इतनी सारी मुर्गियाँ हैं, जिन्होंने पता नहीं किसी किसी कॉम्पिटिशन में मेडल्स लिए हुए हैं।
किसकी फर्स्ट पोजीशन है, किसी की सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहाँ पर एक डक भी है बड़ी प्यारी सी, जिसमें जिसने उसने भी मेडल लिया हुआ है, ग्रैंड चैंपियन जूनियर 2023। और इनका साइज देखें, नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा है। दूसरे सेक्शन में जब हम आए हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंट तरह की मुर्गियाँ हैं, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेडल्स लिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में प्राइज लिए हुए हैं। आप इनका साइज़ देखें, नॉर्मल साइज़ है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। और मैंने इतनी ज़्यादा जो है ना नस्ल की नहीं देखी आज तक। इससे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, तो अब इस सेक्शन में आए तो ये डक सेक्शंस है। डक सेक्शन में भी यहाँ पर हर डक ने किसी ना किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके कोई ना कोई पोजीशन ली भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे आगे हम आए हैं तो हमें एक और सेक्शन मिला, और ये सबसे क्यूट, सबसे छोटी मुर्गी थी। मैंने लिटरली इतनी छोटी कभी भी नहीं देखी, मतलब इसका इसकी नस्ल ही इस टाइप की थी कि ये इससे बड़ी नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे डक्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको वन बाय वन इसी वजह से दिखा रही हूँ। और ये कितनी प्यारी मुर्गी है, इसके सर पे कितना प्यारा एक पफ सा बना हुआ है, लिटरली ये बहुत खूबसूरत थी। ये तो हमारे पाकिस्तान की तरह की, इस तरह की तो मैंने पाकिस्तान में भी काफ़ी देखी हैं। ये जैसी हमारी देसी मुर्गियाँ होती हैं वहाँ पर, उस टाइप की थी। इससे बाहर आकर मैंने देखा कि डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों के लिए बड़ी एक्टिविटीज़ के लिए गेम्स हैं, और उसके ऑपोजिट साइड पर झूले लगे हुए हैं। और ये झूला देख के मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं इसमें बैठूं, पर मैंने कहा सबसे पहले मैं सारा विज़िट करूं, उसके बाद मैं इसमें बैठूंगी। वैसे इस गेम्स की मुझे समझ नहीं आएगी क्या मतलब, लाइक क्या था ये। इसमें आपने एक जो है ना एक स्टिक है, स्टिक को आपने इसमें डालना है, और जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई टॉय मिल जाएगा। और बहुत कम ऐसे लोग थे जो यहाँ पर चीज़ें विन कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं इस झूले को, ये लाइक मुझे तो देखकर ही कुछ हो रहा है कि ये कितना ख़तरनाक सा लग रहा है झूला। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, और ये एक और स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टॉल्स थे, जिन किसी लोगों ने इसमें डक्स डाली हुई थी, किसी ने टॉय डाले हुए थे, कुछ डाला हुआ था। और ये कुछ सस्ती नहीं थी, ये एक गेम के लिए आपको $20 $30 ऐसे पे करने पड़े थे। और उससे आगे जब मैं आई हूँ तो मुझे एक ये रॉकेट नज़र आया। लिटरली मैंने जब इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चल रहा है तो इसमें लोग बैठ के ऊपर जाने लगे हैं, ये भी कोई राइड है शायद। पर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये कोई वैसे ही जाना शो पीस के तौर पर उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया हुआ था। उसके आगे भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। यहाँ पर जाके इतना फ्रेश फील कर रही थी मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक दफ़ा ही लगता है, तो
तो बच्चे बड़े बहुत एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर जाने के लिए, और स्पेशली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फाइनली आज आप मुझे देख रहे हैं कि मैं खुद भी देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ अपने साथ। अच्छा, तो ये इससे आगे मैं आई हूँ, इससे आगे मैंने देखा है कि यहाँ पर क्रेज़ी कार्स के नाम से कोई राइड है। हमने पाकिस्तान में भी जॉयलैंड में काफ़ी इस तरह की राइड्स देखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि वहाँ की राइड से थोड़ी अपग्रेडेड थी ये। और ये आगे आप देख रहे हैं जैसे पायरेट बोर्ड आ गई है, ये तो आप सबको ही पता होगा, ये जगह जगह कहीं पे भी हमारे कुछ इवेंट्स वहाँ पर होते थे, कोई ईद आ जाती थी डिफरेंट जगहों पे, ये तो झूला हर जगह लगा होता था। लिटरली ये कहीं पर नहीं आप देख सकते कि ये झूला तो इतना कॉमन है कि हर जगह नज़र आता है। और आगे आ रही है राइड बीच पार्टी। अच्छा, इन्होंने हर झूले के ऑपोजिट साइड पर एक स्टॉल लगाया हुआ है, या तो वो किसी एक्टिविटी के लिए है या फिर खाने पीने के लिए है, यानी मतलब यहाँ पर आके ऐसा फील नहीं कोई हुआ कि आपको अगर कुछ खाना है या कोई बच्चों के लिए एक्टिविटी करवानी है तो वो कहीं दूर जाना पड़ेगा। मतलब आपको, आप राइड लें, सामने अगर कुछ खाना है पीना है तो सामने ही आपको अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, उससे आगे मैं आई हूँ तो मुझे एक जगह नज़र आई है जहाँ पर इन्होंने डिफरेंट तरह के स्टॉल लगाए हुए हैं। आए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ओके, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि टॉयज, टी शर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और उससे आगे आई हूँ तो मुझे एक दूर से आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पर बड़ा कोई शो चल रहा है, फनी शो। तो आप भी मेरे साथ देखें कि ये शो कैसा है। ये इसकी गन कैसी है, ये इसने बैलून की गन बनाई हुई है, बिल्कुल ही बच्चों वाला शो था। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ऐसे तीर निकालने और इस बैलून को के ऊपर मारना। वो देखिए, उसे बैलून पे मारने के बजाय उसको उसके दिल के ऊपर जाना मार दिया। और ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आया था, ये एक यहाँ पर था कपल था जो हमें हाई करके गया था। अच्छा, उससे आगे देखते हैं और क्या क्या है। मुझे दूर से वैसे नज़र आ रहा है कि एक बड़ी क्रेज़ी सी राइड है। आगे जाके देखते हैं कि ये किस तरह से चल रही है, लोग इसमें कैसे एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के स्टॉल्स हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर, कुछ खा पी सकते हैं। अब आप इसको चेक करें ज़रा, इसमें बैठ के इंसान का सांस बंद ना हो तो और क्या हो। मेरा बहुत दिल था कि मैं इसमें बैठूं, लेकिन जब मैंने इसको पूरा चलते हुए देखा तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मैं नहीं इसमें बैठ सकती।
इसको चेक करें जरा, ये अभी ये ऊपर कितना ऊपर जा रहा है और मैं इसके बिल्कुल नीचे खड़ी हुई थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये मुझे ही ना लग जाए। और जब ये गुजारा था तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा वो रह गई, शॉक्ड रह गई। अच्छा बिल्कुल इसके साथ ही है कि ये रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर में पानी भी था, जब आप नीचे आते थे तो वो पानी से सारा आपको गीला, आप गीले हो जाते थे। और ये साइड पे फिर स्टॉल्स आ गए हैं शॉपिंग के लिए। पर बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वो जैसे बच्चों की गेम्स होती हैं वो उनको भी इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है हमें। और ये सामने एक झूला और आप देख सकते हैं, ये लिटरली इसमें बैठ करना इंसान खुद ही गंदा हो सकता है, क्योंकि ये जैसे जैसे चल रहा था इसका पानी नीचे गिर रहा था और इतनी इतनी दूर तक इसका पानी आ रहा था कि आप इसमें बैठ के तो गंदे होंगे कि जो साइड पर खड़े होकर देख रहे हैं वो ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। अच्छा उससे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये आगे एक राइड आई है, छोटे बच्चों की है, और एक दूर से मुझे राइड नजर आ रही है वो भी बड़ी क्रेजी लोगों के लिए। क्योंकि वो काफी हाइटेड है और उसमें वही लोग बैठ सकते हैं जिसका बहुत ज्यादा जिगरा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई दिल वाले लोग हैं जो उसमें बैठ सकते हैं। आई थिंक ये सारा सेक्शन ही राइड्स का है, लेफ्ट राइट सारी राइड्स ही हैं। अच्छा अब यहाँ पे खड़े होके देखते हैं कि ये जो इतना क्रेजी सा झूला है ये चल कैसे रहा था। ओ माय गॉड, लिटरली ये कितनी ज़्यादा हाइट पर है, वो सर्कल में घूम तो रहा है, उसके साथ साथ जहाँ पे लोग बैठे हैं उनकी सीट्स भी रोटेट हो रही हैं। ओ माय गॉड, इसको देख कर ही चक्कर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने रोक दिया और नीचे के लोग अब उतरने लगे हैं और ऊपर वाले लोग ऊपर ही रह गए हैं, और अब ये पता नहीं कितनी देर में बाकी दूसरे लोग बैठेंगे और वो फिर नीचे आएंगे। हो। अच्छा उससे आगे आप आए हैं तो हमने देखा है एक उन्होंने एक और राइडर, ये तो खैर आई थिंक पाकिस्तान में भी होती है लेकिन इतनी हाइट पर नहीं होती, ये काफ़ी हाइट पर लग रही थी मुझे। अच्छा मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं बाद में इन राइड्स में ज़रूर बैठूंगी और इन्जॉय करूँगी, देखूँगी कि इन राइड्स का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है। अच्छा तो ये राइट साइड पर एक उन्होंने गूस्ट एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर लोग अंदर जा रहे थे ट्रेन में बैठ के, और डिफरेंट कहीं से कोई चुड़ैल निकल रही थी, कहीं से कुछ निकल रहा था, और जब इससे बाहर लोग आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा थे। अच्छा उससे आगे मैं आई हूँ तो मुझे एक एरिया नज़र आया जहाँ पर इन्होंने ये बनाया हुआ है प्योरली, जैसे
गाय के लिए और डॉग्स के लिए। और यहाँ पर लिटरली एक बार बताऊँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल थी, एंटर होते साथ ही दिल जा रहा था कि बाहर निकल जाए। इससे आगे आए हैं तो इन्होंने ये बॉक्स में सिर्फ सब्जियाँ पैक की हुई हैं, और ये बच्चों के लिए एक्टिविटी थी कि आप इसको खोलें और इसमें से डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स को ढूंढें। मतलब ये क्या क्या एक्टिविटी थी, मुझे समझ नहीं आया। हमारे बच्चे तो कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई पार्टिसिपेट ना करे, यहाँ पर सब इतना इंजॉय कर रहे थे। और इससे आगे मैं आई हूँ तो इस तरह इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के। ये मसाज चेयर्स हैं अगर आपने परचेज करनी है। यहाँ पर बैठने का बहुत दिल था लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप परचेज ही कर सकते थे, यहाँ मसाज नहीं ले सकते थे बैठ कर। और ये देख सकते हैं आप लोग अपने बालों को क्या करवा रहे हैं, शॉकिंग पिंक कलर भी कोई करवाता है अपने बालों को, लेकिन यहाँ पर बहुत कॉमन है ये चीज़। उससे आगे एक स्टॉल है जहाँ पर बड़े और बड़ी बच्चियाँ और छोटी बच्चियाँ अपने लिए चीज़ें ले सकती हैं, फेस पेंटिंग आप करवा सकते हैं, सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आप कपड़े अपने ले सकते हैं, ये एंटीक्स होते हैं, एंटीक्स कपड़े। यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था, ये ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था। और इस साइड पर आपको एक क्रॉकरी नज़र आ रही थी, और ये बेड मेडिकेटेड बेड्स थे। यहाँ पर आप सो रहे हैं, आपका मसाज हो रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। उससे आगे ये भी क्रॉकरी का स्टॉल लगा हुआ था, डिफरेंट कप्स थे और बॉटल्स थी। सबसे क्यूट यहाँ पर ये चीज़ लगी कि मुझे ये देखें, ये आर्टिफिशियल इन्होंने जो है ना बनाए हुए थे बकरे, और बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये। अच्छा अब लाइव देखते हैं। अच्छा ये एक है, एक जानवर है लामा। मैं एक वो देखती हूँ, चैनल देखती हूँ जिसमें मैं उन्होंने अपने घर में ये रखा हुआ था, उसको देख के। तो क्योंकि इसकी एक खासियत होती है कि ये जो है ना थूक फेंकता है, लेकिन ये देख के मुझे लगा नहीं, ये इतना ज़्यादा टेम था, देख के लगा नहीं लोग इसको प्यार कर रहे थे। और ये देखें ज़रा आगे, ये हमारा पाकिस्तानी खोता आगे और ये घोड़ा आगे के एक मिसाल तो मैंने सुनी थी, खोता घोड़ा एक बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने देख भी लिया। अच्छा उससे आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा ये डिफरेंट तरह की बकरियाँ हैं, उसके बच्चे हैं। हमारे पाकिस्तान में कितनी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, हर बकरा ईद पर हर घर में ये सब चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए बड़ी यूनिक सी चीज़ थी, और वह इतना प्यार करते। और ये देखें जरा, ये बिल्कुल ही ये क्या खिला रहे हैं, बिल्कुल तीला पकड़ के उसको अपनी तरफ बुला रहा है कि ये खाओ। अच्छा उससे आगे आई हूँ तो मुझे ये नज़र आया, ये देखें ये पोर्क है, ये इसको ये यहाँ के लोग इन जैसे हमारे लिए बीफ मटन बहुत बड़ी चीज़ है, इनके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। ये यहाँ पर सिटिंग एरिया थोड़ा सा बनाया हुआ है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड था और चल चल के पाँव बहुत दर्द होने लग गए थे। अच्छा उससे आगे मैं आई हूँ तो इन्होंने डिफरेंट तरह की ऑस्ट्रेलियन गाय को जो है ना डिस्प्ले किया हुआ है, जहाँ पर ये लोगों को सिखा रहे थे कि इनका दूध कैसे निकालना है। और लोग बहुत कोई बड़ी चीज़ इसे समझ रहे थे कि ये दूध निकालना है इसको, एक एक बंदे को बुला कर उसको सिखा रहे थे, प्रैक्टिस करवा रहे थे, और लोग इतना खुश हो रहे थे इसको देख के। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब हम ऐसी चीज़ों को देखें तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं करना, ये क्या है, ये बहुत अजीब सी चीज़ है, फजूल है। अच्छा आगे बाहर निकल के देखते हैं कि क्या है। अच्छा ये भी डिफरेंट तरह के गेम्स के स्टॉल हैं। ये देखिए
थिंक ये बेलून्स ब्रस्ट करो और कोई ना कोई ट्राई आप विन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ थी। अच्छा, ये एक और राइड आ गई है आगे, ये भी क्रेजी कार्स ही हैं। मैं इतनी देर यहाँ लिटरली खड़ी रही, मैंने कहा मैं ये दिखाती हूँ कि मैं ये किस तरह से चल रही हैं, मतलब कितनी स्पीड से चल रही हैं और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें ज़रा, चाइनीज कितना एंजॉय कर रहे हैं इसमें बैठ के। हमारे पाकिस्तान में इसमें सिर्फ बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर बड़े भी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे खड़े होने तक ये चलेगा। देखिए लोग कैसे पिक्चर्स बनवा रहे हैं, और ये तो बिल्कुल मुझे पाकिस्तान के लगा तरह लगा कि जब तक एंड सीट तक कोई बंदा नहीं बैठेगा ना, इसने नहीं चलाना। अच्छा, एक दूर से मैंने मैप्स पे भी अपने चेक किया था, और दूर से मुझे नज़र भी आ रहा है कि आगे हॉर्स का कोई कंपटीशन हो रहा है, हॉर्स राइडिंग का। आके जाके देखते हैं। आई थिंक ये बच्चों के लिए इन्होंने टी टाइम झूला बनाया हुआ है। ये कार्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चे इसमें बैठ के बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। लग तो अच्छा रहा है, आगे जाके देखते हैं कि क्या है। अच्छा, जब मैंने दूर से सुना तो मुझे यहाँ पर जो मतलब अनाउंसमेंट हो रही थी उससे पता चला कि ये जितने भी बच्चे यहाँ पर राइड्स करेंगे और वो दिखाएं अपना स्टंट दिखाएंगे, वो अंडर 15 है। आप इनकी एक्टिविटीज़ चेक करें कि ये छोटे छोटे बच्चों को किन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। और हमारे पाकिस्तान बच्चे अभी पैदा नहीं होते तो वो मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइल पकड़ लो, उसमें चीज़ें देख लो, बस मोबाइल का वो सारी ज़िंदगी बस मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई आपको फिज़िकल एक्टिविटी उनकी लाइफ में नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आके मैंने ये चीज़ फील किया, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट ने जाना है और ये जितने मतलब राउंड्स कंप्लीट करने हैं। इस शक्ल आई थिंक ये 3 शक्ल उसने कंप्लीट करने थे, और ये इसलिए था कि आपने कितने कम टाइम में ये 3 शक्ल्स कंप्लीट करके आप अपनी फर्स्ट पोजीशन पर पहुँचे हैं। और फिर यहाँ पर जो विन होगा उसको कोई प्राइज मिलेगा। आई थिंक दूसरा पार्टिसिपेंट जो है वो रेडी हो रहा है। ये देखिए आप जैसे जा सकते हैं, ओ माय गॉड, ये तो उससे ज़्यादा तेज़ है। वैसे मुझे भी हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं लाइफ में ज़रूर एक दफ़ा करूँगी हॉर्स राइडिंग। ओबियसली इसको चलाने के लिए इसको पहले सीखना पड़ता है, इसके टेयर ट्रिक्स क्या होते हैं, अपने आप को होल्ड कैसे रखना है। और थर्ड पार्टिसिपेंट आई थिंक अब आने लगे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अपना। मैं भी एक दफ़ा बैठी थी, मैंने हॉर्स राइडिंग की थी, मैं गई थी नारायण कगान में, वहाँ पर मैंने हॉर्स राइडिंग की थी और मुझे इतना मज़ा आया था, लिटरली पूरे ट्रिप के पैसे पूरे हो गए थे। ऐसा लगा था कि जैसे इस पे बैठ कर ही मज़ा आया, और लिटरली सीन वगैरह तो आप ऑब्वियसली फ़्रेश हो जाते हैं, आपको बहुत इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है, फ्रेश एयर होती है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है। लेकिन जो इस पर बैठ के मैंने इंजॉय किया था ना, इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट मैंने कहीं पर भी फील नहीं की थी।
और इसके ऊपर बैठते हुए मुझे इतनी डिफ़िकल्टी आई थी, क्योंकि इसको बैठने के लिए भी अपने आप को काफ़ी अच्छे से होल्ड करना पड़ता है, फिर इसको कोई पकड़ के खड़ा हो। तो इसमें मैं खुद बैठी और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ओह माय गॉड, ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे थर्ड वन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्पीड में लगा था। फोर्थ वन इज कमिंग। कितना छोटा सा बच्चा है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, ऑब्वियसली अंडर 15, छोटा सा ही होगा। ओ माय गॉड, क्या स्पीड है वो। मुझे तो लगता है कि ये फोर्थ वन ही विन करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में था। अब ये पर ख़त्म हो गया था यहाँ पर, तो मैंने कहा चलें आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या है। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा, मैंने तो क्योंकि यहाँ पे बैठ के बहुत इंजॉय किया था। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, धूप निकली थी, और ये आंटी को देखें जरा, इसे मेकअप कैसे किया हुआ है, लोगों को डरा रही है यहाँ खड़ी होकर। लिटरली इसने जब मुझे हाई किया ना, मैंने एकदम से कैमरा इस वजह से पीछे कर दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये रियल में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने पूरा एक बनाया हुआ है, एंट्रेंस ये है और ये इस इधर वाली साइड की बाहर निकलने वाली थी। अच्छा, इसके बाद सबसे अच्छी जो थी ना, वो बड़ों की खेलने की गेम एक मुझे ये नज़र आई थी, जहाँ पर इन्होंने सामने ये फोर प्लेयर्स जो है ना डिस्प्ले की हुई थी, और इन प्लेयर्स को आपने तोड़ना था। उसके बाद ये सामने जितने आप टॉयज देख सकते हैं, इसमें अपनी पसंद का आप टॉयज ले सकते हैं। ये देखेंगे स्टार्ट हो गया और फर्स्ट प्लेट टूट भी गया, सेकेंड वन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई जीत पाएगा, क्योंकि फाइव शॉर्ट्स थी और आपने फोर प्लेट्स को तोड़ना था। आई थिंक ये जो फर्स्ट वन है ना, इसने कर लिया है, बट वो आधी प्लेट टूटी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। और एंड पे ही आप देख सकते हैं कि मैंने एंजॉय किया अपनी आइसक्रीम के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।